तो गाइज इस वक्त हम लोग हैं दिघा सोनपुर ब्रिज के ऊपर, और ये जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है और बहुत लोग इसे दिघा ब्रिज भी बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइज कि ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है और इसके ऊपर ये रोड है और इसके नीचे से ट्रैक भी है, रेलवे ट्रैक भी है, यानी रेल भी यहाँ से गुजरती है इसके नीचे से। और इस पुल के बन जाने की वजह से पटना आना जाना थोड़ा आसान हो गया। और मैं आपको बता दूं गाइज कि इस पुल का उद्घाटन 3 फरवरी 2016 ईस्वी को हुआ था। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। और गाइज आज का ब्लॉग है भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अब भी हम पहुंचे हैं पटना जंक्शन और आज का जो ब्लॉग रहेगा वो पटना जंक्शन से रिलेटेड रहेगा। तो बस आप बन रहे हैं गाइज मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं गाइज आज का ब्लॉग। तो गाइज ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं गाइज आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज ये है महावीर मंदिर, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं बाहर पटना जंक्शन के ठीक बाहर एक भव्य मंदिर जो महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब। तो गाइज यहाँ से देखिए ये एक गुलंबर है और गुलंबर के ठीक बाद में यहाँ से इधर से बहुत सारे ऑटो स्टैंड इसको बोल सकते हैं आप, यहाँ पे ऑटो लगे हुए और वहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप जा सकते हैं जिधर भी आप जाना चाहते हैं। गाइज दिस इज द एंट्री गेट, यहाँ पे देखिए आप यदि फोर व्हीलर लेकर आते हैं तो आप इधर से एंट्री करेंगे सामने से, और ये भव्य लुक आप देख सकते हैं। ये टेंपल भी आप देखिए, महावीर मंदिर कितना सुंदर लग रहा। और ये देखिएगा इस भारत की बिहार राज्य की राजधानी और पटना शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन जो आप देख रहे हैं। और गाइज मैं ये सब जो व्यू दिखा रहा हूँ ये सब पटना जंक्शन के मेन यानी राइट हैंड साइड के तरफ का जो व्यू है जिधर महावीर मंदिर पड़ता है उस साइड का, मैं आपको ये सारा का सारा व्यू अभी दिखा रहा हूँ। तो गाइज आप ये देखिए इंटायर लुक पटना जंक्शन का देखिए कितना ऑसम एंड आउटस्टैंडिंग लग रहा है, स्पेशली रात के टाइम में तो ये बहुत ही शानदार दिखता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी हो रहा है पटना जंक्शन 1861, यहाँ पे डेट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 1861 ईस्वी में बनाया गया था। और देखिए कितना आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रात के टाइम में लगता है ये, और यहाँ पे देखिए कलर बार बार चेंज होते रहता है। और इस साइड देखिए ये है महावीर मंदिर जो आप देख रहे हैं, कितना आउटस्टैंडिंग और ऑसम लग रहा है गाइज। फिलहाल इधर देखिए ये एंट्री गेट है और ये यहाँ पे गाइज पार्किंग जोन है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत सारी गाड़ी पार्क होती है। और यहाँ पे देखिए गेट संख्या 2 के लिए आपको इस रास्ते से जाना होगा, सामने गेट संख्या 2 आपको दिख रहा है। तो फिलहाल हम अभी आ गए हैं आगे और यहाँ पे देखिए गेट नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। तो गाइज यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको एटीएम्स मिल जाएंगे और आगे में एक गेट और मिलेगा और थोड़ा सा और आगे जाने पे आपको टिकट बुकिंग काउंटर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हैं गेट नंबर 3 और यहाँ से अब अंदर जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि पटना जंक्शन देश की सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय रेलवे की पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है ये पटना जंक्शन। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस स्टेशन का जो कोड है वो है PNBE, पटना जंक्शन का कोड है PNBE। तो गाइस चलते हैं अब आगे और मैं अब आगे का लुक यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये पूछताछ काउंटर, इंक्वायरी काउंटर, यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं पूछताछ करने के लिए। तो यहाँ पे आप आके पूछ सकते हैं ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आके वो जानकारी ले सकते हैं। और इस साइड देखिए गाइज मैं आपको इस साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सामने प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए वहाँ पर ऊपर में एक साइड स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, वहाँ पर आप अपना ट्रेन का टाइमिंग वगैरह देख सकते हैं, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी सब वहाँ पर शो करता है। और फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नो बिल नो पेमेंट्स, यहाँ पे पिलो आपको मिल जाएंगे। एक मरते पूछते हैं ये पिलो कितना पड़ेगा? 100 रुपीज़। तो भाई जी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 100 रुपीज़ का एक एयर पिलो आपको मिलेगा जिसमें आप एयर को फिल करेंगे और उसके बाद आप इसको तकिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रेन जर्नी के लिए अच्छा है वैसे उन लोगों के लिए जो स्पेशली तकिया
के आदि हैं, तकिए लगाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, खाने पीने के सामान भी मिल जाएंगे, वाटर बॉटल भी मिल जाएंगे। और यहाँ से रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए फिलहाल। और यहाँ देखिए वाटर वेंडिंग मशीन। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स एंड 15 ट्रैक्स हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली पैसेंजर ट्रेन भी रन करती है, जो 7 से 10 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच आपको दिखाई देगी। और ये 1 से 6-7 के बीच आप एक्सप्रेस ट्रेन को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी देख सकते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो चलिए गाइस जल्दी से हम ऊपर चढ़ते हैं ये सीढ़ी से। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 से आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं। यहाँ से आप आदमी देख सकते हैं, भीड़ बहुत भीड़ है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम एंड कब निकलेगी और किस प्लेटफॉर्म से निकलेगी, वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे मिल जाएगा। फिलहाल आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए गाइस गरीब रथ है, कोलकाता गरीब रथ यहाँ पे लगी हुई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी आप इस सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं। एंड गाइस एक लुक मैं यहाँ से आपको भी दिखा दे रहा हूँ, यह पटना जंक्शन। ये गरीब रथ लगी हुई है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यदि आप पटना जंक्शन उतर के आउट ऑफ पटना जाना चाहते हैं तो आपको इस साइड आना पड़ेगा 9-10 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ, यानी महावीर मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ से आप बाहर निकल के बस स्टैंड भी जा सकते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो एक नया बस स्टैंड अभी बना है तो वो यहाँ से लमसम 9 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट है, और इसके बाद यहाँ से एस्केलेटर सीढ़ी भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों साइड से जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, इस साइड से भी आप बाहर निकल सकते हैं। और जस्ट इसके बाद यहाँ से आप चाहें तो सीढ़ी से नीचे उतर के आगे राइट हैंड साइड से देखिए वहाँ पे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है गाइज, देखिए वो सामने में जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, तो उस ब्रिज के थ्रू वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं और वहाँ से आपको ऑटो वगैरह ईजिली मिल जाएंगे। तो आप दोनों तरफ से जाएँ तो जा सकते हैं, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ पे नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे लगी हुई है। तो गाइस फिलहाल अब बाहर निकलते हैं, यहाँ से चलते हैं नीचे गेट नंबर 2 से इस बार निकलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं गाइस कि यदि आपके मन में अगर पटना जंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल आ गए हैं यहाँ पर बाहर महावीर मंदिर के साइड में, और महावीर मंदिर के जस्ट बगल में आपको एक मॉस्क भी दिख रहा होगा, एक मस्जिद भी दिख रहा होगा। यहाँ पे होटल भी वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ से। तो रात में बहुत ही औसम और आउटस्टैंडिंग लग रहा है गाइस। तो गाइस फाइनली बाहर आ गए हैं पटना जंक्शन से, और होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कटे फटे पुराने नोट बदले जाते हैं यहाँ पे जस्ट जंक्शन के बाहर, पटना जंक्शन के ठीक बाहर। और ये कुछ शॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं नोट्स। तो गाइस हाँ बहुत ही भीड़ है, फिर भी आगे चलते हैं हम अभी। तो गाइस राइट नाउ अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए, यहाँ से मैंने ऑटो लिया है। तो अभी चलेंगे हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल, और वहाँ का भी ब्लॉग आपको मैं दूंगा। तो बस आप बने रहें मेरे साथ।